तो दोस्तों आज हम निकले हैं राफ्टिंग के लिए, क्योंकि दोस्तों का प्लान बना था राफ्टिंग के लिए, तो लेकिन वो लोग हो गए हैं लेट और मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे जल्दी ही। तो यहाँ पे एक कैंप है हमारा हिमालयन जिप्सी एडवेंचर करके, जो कि है खारा स्रोत में, और कुछ इस तरह से लोकेशन है कि इसके ठीक सामने एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, और यहीं पे से हमारा फर्स्ट कैंप है जो कि मेरे दोस्त का है, तो आज हम उसी में जाएंगे। तो वो हमें भेज रहा है किसी और ग्रुप के साथ, तो उसी के लिए हम रेडी हो गए हैं। तो अभी अपनी राफ्टिंग शुरू हो रही है, ये है हमारा हिमालयन जिप्सी एडवेंचर, और यहाँ से हमारी बुकिंग हुई है। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं शिवपुरी के लिए। तो शिवपुरी से लेकर यहाँ तक आने में हमें लग जाए कम से कम 3 घंटे। यहाँ से हम शिवपुरी से राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। चलिए तो ये है हमारा ग्रुप, तो ये है हमारी राफ्ट, यहाँ पे हमारे साथ के मेंबर्स हैं। और किसी में बैठ के चलना है, खुलेगा तो नहीं है? नहीं, पक्का पक्का। ये हमारे गाइड, क्या नाम है आपका? आशीष। आशीष भाई, कितना टाइम हो गया इधर राफ्टिंग कराते कराते? 2014 से। 2014 से, और यही कराने वाले? नीलकंठ। नीलकंठ कौन सा गांव? ड्यूली। ड्यूली, बहुत बढ़िया। आप? नहीं, ये ऋषिकेश से। तो ऐसा भी है रास्ता है उधर से जाने के लिए, हाईवे भी ले सकते थे लेकिन ट्रैफिक की वजह से हमें शॉर्टकट से जाना पड़ा, और ये है नदी का रास्ता। जाने के लिए अपनी राफ्ट है ये वाली, बहुत ही बुरे हाल है इसके। तो शिवपुरी हम पहुंच गए हैं और यहां से हम लोग करेंगे राफ्टिंग। तो अभी ट्रैक कुछ इस तरह का थोड़ा सा पैदल रास्ता, और ये है हमारे ग्रुप के मेंबर, सारे हरियाणा के लोग, दिल्ली के भी है कुछ लोग, हरियाणा के भी है। तो सब लोग पहली बार राफ्टिंग कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आप सभी लोग? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हां जी, एक्साइटेड। रैपिंग में बहुत मजा आया और राफ्टिंग में भी बहुत आने वाला है। चलिए साफ तो जोश, देखो इनका जोश एकदम गोबर जैसा हो रहा है। अच्छा तो कुछ इस तरह का पथरीला रास्ते में जाना पड़ रहा है थोड़ा सा, नंगे पांव, वो भी नंगे पांव, नंगे पांव क्योंकि शूज नहीं है और हम चप्पल भी नहीं इनके पास, शूज भी नहीं, गरीब लोग हैं सब। तो यहाँ पे राफ्ट हैं बहुत सारी, 332 है राफ्ट का नंबर।
जी कहाँ कहाँ से हैं सभी लोग। तो आज मौसम काफी अच्छा है। क्या सब लोग रेडी हैं? रेडी हाउ द जोश सो रेडी दो लोग। तो ये है हमारा पहला रैपिड शिवपुरी रैपिड। जय जय लहरें काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे हैं। कैसा लग रहा है? हर हर गंगे गंगा मैया की, गंगा मैया की हर हर महादेव। अभी हमारा दूसरा ग्रुप वहीं पहुँचा है जहाँ से हम लोग हैं। बोली थी ट्रेन, वो ट्रेन कहते हैं राफ्ट। चलो हाय कर दो सबको। हेलो यहाँ पे राफ्टिंग हो रही है, राफ्टिंग हो रही है। ये हमारी राफ्टिंग है, और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और हमारी सांस फूल रही है। कमांड आ गई है अब फॉलो करना है। आगे जा रहे हैं लक्ष्मी। कैसा लग रहा है आपको पहली बार? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, एंजॉय। मेहनत का फल कैसा होता है? और अब फिर से हम केड़ा सेंटर। तो कुछ रिटैंगल सेंटर कुछ करके ऐसा रैपिड है दूसरा। तो काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है पानी का बहाव, और इसको क्रॉस करने में आएगा मजा। जय जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो चलिए रेडी हम लोग फिर से इस रैपिड का मजा लेने के लिए। हम हैं खतरों के खिलाड़ी, इसलिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक रैपिड। ये चिल्लाओ। जय माता दी, चिल्लाओ।
टेंशन नहीं लेनी है, स्टेबल हो गया है अब। अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अब मेहनत करनी पड़ेगी और हमें अब खुद चलाना पड़ेगा। कहिए क्या कहना चाहते हैं आप लोग? क्या मजा आ रहा है, मतलब कि दुनिया में जन्नत है तो कहाँ है? यस, जन्नत कहाँ है? कहाँ है? यस, तो ये है हमारा ऋषिकेश और यहाँ की ये खूबसूरत नज़ारे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक हो गया हमारा, तो ये हमारे दिल्ली हरियाणा वाले सभी लोग, राजस्थान वाले भी हैं कुछ लोग, तो मतलब देश के कोने कोने से लोग आए हैं यहाँ पर राफ्टिंग का मजा लेने के लिए। बहुत ही मजा, वी आर सामने हमारे पास एक बहुत खतरनाक रैपिड जिसका मजा हम ले रहे हैं। छोटा सा है, छोटा है पर अच्छा है, मजेदार। तो हवा के बहाव के साथ हम लोग चल रहे हैं आगे और रैपिड की शुरुआत इस तरह से नहीं, टेंशन नहीं हुआ। सामने से आप देख सकते हैं एक और रास्ता ये, जय माता दी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ दो मिनट बस, पूजा पूजा सीधा पूजा चश्मा बाहर निकाल ले, अंदर डाल दे। सर वीडियो बनाओ, बन रही है, बन रही है। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कैसे लगा कूद के? बहुत अच्छा, मजा आया, तो सब लोगों को बहुत ही मजा आया। आगे हमें जंप का भी ऑप्शन मिलेगा, तो कौन सा रेडी है जंप करने के लिए? अरे वाह, रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर राइड किए कभी? नहीं, नहीं किया, तो आज हम करेंगे। तो कह दो एक बार फिर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
ये छोटा था गोल्फ कोर्ट अंदर बैठ जाना सीधे ये डंडा भी कर रहा करो सारे डर नहीं लग रहा ना
नहीं लग रहा ना यार, रैपिड में थोड़ा सा लगता है बाकी चीज तो आ। लेकिन इंस्ट्रक्शन सुन रही सारे फॉलो करते ना ऐसे करके ठीक है। तो टू मिनट की बात करते हैं बहुत सही दोस्तों बहुत मजा आ रहा है।
साथ में ठंड लग रही है। हम लोग पता नहीं कहाँ होंगे, पीछे से आ रहे होंगे। और ये ममता से हेलो एवरीवन। पानी में डालता हूँ तो रुक जा तू। हाँ
आराम से बिना किसी टेंशन के। चलो, अरे कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पानी जाएगा अपना आ जाएगा। सीधी कूदना है बस, सीधे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रिलैक्स, सीधा सीधा बस, हाँ आराम से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कैसा लगा? अच्छा ना, बस एक आराम से सीधा बोर्ड के साथ, चलो चलो। वेरी गुड, इधर देखो, इधर देख, जा 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 जा। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बस ठीक है, वेरी गुड। जाओ, यस, जय बजरंगबली। वेरी गुड, इधर देखो, इधर देख, इधर देख, निर्मल। मैंने भी बहुत खड़े होके नाटक किया। ठंडा लगता है बहुत ज्यादा, हमको खुदा लगाते है बस, हाँ बस ऐसे लगता है सही में, और अंदर पानी के थे कुछ नहीं, बस ब्लैंक हो गया। लेकिन
Yes. अभी ये जो हमारी राफ्टिंग है ख़त्म हो चुकी है, फिर हम आ गए अपने स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ और टीम मेंबर सब लोग चले गए हैं हमारे ग्रुप के। तो हमें लग गए कम से कम 3 घंटे हमें वहाँ पर लग गए हैं, क्योंकि 1 बजे हम लगे थे और अभी तक 4:30 5 बजने वाले हैं, 5 बजे।